किचन क्राफ्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे चूर चूर नान। रेस्टोरेंट में जैसे मिलते हैं वैसे ही टेस्टी नान आप भी घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और रोज़ ऐसी नई नई रेसिपी के लिए बाजू में दिए बेल आइकन ऊपर क्लिक करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी, 3 टेबलस्पून मोयन के लिए तेल, 1 टीस्पून खाने का सोडा और 1 छोटी कटोरी दही मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें से अभी मैंने आधा कप इसके अंदर डाला है। अच्छी तरह से मसल कर हम इसका आटा गूंदेंगे। रोटी से भी थोड़ा सा लूज हमें इसका आटा रखना है। अभी मैंने थोड़ा और पानी लिया है, यानी मैंने टोटल 3/4 कप यानी कि 1/4 कप पानी इसके अंदर लिया है। 10 से 15 मिनट तक हमें इस तरह से आटे को मसलना है। आटा जो है वो आपके हाथों पर इस तरह से चिपकेगा, लेकिन वो 10 से 15 मिनट रगड़ने के बाद आसानी से निकल जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से आटे को हमें ऊपर से नीचे तक कूटना है। अगर आपको बर्तन में ये नहीं जम रहा है तो आप प्लेटफॉर्म पर भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से 5 से 7 मिनट तक हमें करना है। ऐसा करने से इसके अंदर हवा भरेगी और हमारा जो नान है वो सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे और आटे को अभी हम मसल लेंगे। आपके हाथों में से अभी जो आटा है वो अभी तेल लगाने से आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में इस तरह से रखेंगे ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। उसके ऊपर गीला कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और उसे 2 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज ग्रेट की हुई, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा भुना हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, आधी कटोरी जितना हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ली है। चम्मच से इसे मिलाएंगे, बाद में इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसका एक गोला जैसा बना देंगे ताकि हमें स्टफिंग भरने में आसानी रहे। अभी 2 घंटे हो चुके हैं। हाथों पर थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे आटे को एक बार मसल लेंगे। अब प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा मैथा इस तरह से छिड़केंगे और हमारा जो आटा है उसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में फैला देंगे। हाथों से ही हमें ये करना है, बेलन नहीं लेना है इसके लिए। हमारा जो आटा है वो भी काफ़ी लूज है, तो आप हाथों से इसे आसानी से इस तरह से फैला पाएंगे। उसके ऊपर घी लगा दें, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने घर का घी लिया है। अच्छी तरह से घी को इस तरह से आटे के ऊपर स्प्रेड कर दें। थोड़ा सा उसके ऊपर कोरा आटा छिड़क दें। दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करें और उसके जो किनारे हैं उसे भी इस तरह से रेक्टेंगल शेप में जोड़ दें। ये सामने वाली साइड भी हम इस तरह से इसके ऊपर जॉइन कर देंगे और जहाँ पर भी जॉइंट है उसको अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि जो घी है वो बाहर ना आ जाए। अब एक नाइफ की मदद से हम इसे इस तरह से कट करेंगे। इसमें से आपके 6 मीडियम साइज के नान बन जाएंगे। अब इसका जॉइन करके एक गोला सा बना ले। इस तरह से सभी गोले तैयार करें और उसके ऊपर भी एक गीला कपड़ा रखें और 15 से 20 मिनट उसे रेस्ट दे। उसके बाद एक गोला ले और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा इस तरह से लगा दे और हाथों की मदद से उसे गोलाकार में फैला दे।
अब इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे जो हमने तैयार किया है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कोरा आटा छिड़क सकते हैं ताकि आटा आपके हाथों में चिपक न जाए। थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से रखें और हाथों की सहायता से इसे गोलाकार में फैला दें। हल्के हाथों से आप इसे इस तरह से आसानी से फैला पाएंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इसे चकले पर से उठा लें। अब उसे हाथों में उल्टा करें और पीछे वाला जो भाग है जहाँ पर हमने हरा धनिया नहीं लगाया है वहाँ पर थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा दें। अगर आपको हाथों से ये करना नहीं जम रहा है तो आप उसे प्लेट में रख के भी कर सकते हैं। नॉनस्टिक पर हमने जहाँ पर पानी लगाया है वो हिस्सा नीचे की ओर जाने दें। गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम टू स्लो रखी है और 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और फिर से 2 से 3 मिनट तक दूसरी और भी मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। अभी ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सिक चुका है तो उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारे चूरचूर नान बनकर तैयार है। आप इसे कोई भी सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं और आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना और आपके